जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल एक बार फिर बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों आप जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस मेरी इतनी ही दुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पाने के कौन से आसान 5 तरीके हैं। यकीन मानिए कि मैं जो 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ, ये पहले तो फ्री में है, मतलब आपने इनमें कोई आपको धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि बिल्कुल कारगर हैं, मतलब मैंने कई सारे जातकों को ये सजेशन दिया है कि आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करें, बेशक उन्हें बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर अभी वर्तमान में आप जीवन में कोई तकलीफ या कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, कई सारी परेशानी होती है, हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं और जीवन में हमें ऐसा परेशानी का दौर लग रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, एक बार बात ज़रूर करें, आपकी शायद परेशानी का हल आपको मिल जाए और इसका शुल्क और फीस लागू है। दोस्तों अब मुख्य तो बात जो है कि माँ लक्ष्मी की कृपा को नहीं पाना चाहता, आप हम सभी पाना चाहते हैं, पर हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं हो पाती है। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हम गलतियाँ कर रहे हैं, कौन से ग्रहों को हम जाने अनजाने में ख़राब कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा का सिर्फ यही विषय है कि इसमें बताई गई बातें बिल्कुल अक्षरशः इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और भी वैज्ञानिक तरीके से भी जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको इसमें बताते जाऊँगा कि इससे क्या होगा और किस तरह से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों एक छोटा सा मैं निवेदन उससे पहले कर लूँ कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले और मुख्य उपाय जो आपको करना है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार उपास करना शुरू कर दें। अब शुक्रवार उपास कैसे करना है, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक भोजन नहीं करना है हमें, ना फरियाल करना है। कोशिश करें तरल पीले, पानी पिए, छाछ पिए, दूध पिए, जूस पिए, पर ये सिर्फ जो 12 घंटे का टाइम पीरियड होता है इस समय ही हमें चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरी जो बात है उपाय में, आप महिलाओं का बहुत सम्मान करें, क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि महिलाओं का सम्मान हम सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जाने अनजाने में हम कई बार कुछ अपशब्द कह देते हैं, जैसे पति पत्नी को कह देते हैं, तो एक जो ये सब चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि इससे लक्ष्मी का क्षरण होगा और आपका कई सारी परेशानियों में आप आ सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों से आप बचें। तीसरी बात है बुज़ुर्गों की मदद करें, मतलब बुज़ुर्गों की मदद करने से मतलब है कि बुज़ुर्गों को आप भोजन करवाएं, जैसे जो भी हो उनको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसमें गरीबों को भी भोजन करवाएं, वो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। अनाथ आश्रम में अपनी सेवाएं दें या जो भी हमसे हो पाए वो दें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन सब तरीक़ों से आप माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत आसानी से पा सकते हैं, यही एक सरल तरीका है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।